आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआ है, मेरे रब का, मेरे अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर हाजिर हूँ अपने शशकों के साथ। तो जी जनाब, आज के जो शशके हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं, सुपरलिशीज हैं, डिलिशीज हैं, चटखारेदार शशके। यानी कि आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही सुपरलिशीज है। ज़रूर देखिएगा मेरे व्लॉग को, प्लीज़ एंड तक देखा करें, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग्स को यूँ ही देखते रहा करें, ठीक है? मुझे इस तरह इंकरेज करते रहें। चलो चलते हैं व्लॉग में, आगे क्या हो रहा है दिखाती हूँ ना यार, देखो तो सही क्या चटखारे हैं, क्या शशके हैं मेरे आज के। तो चलें जा रही हूँ आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करने, मेरे साथ साथ रहें। आज मैं आप लोगों को बहुत चटखारेदार व्लॉग दिखाने वाली हूँ, साथ साथ रहना। लिफ्ट में मौजूद हूँ अभी अपने, ओके चलो साथ साथ। बहुत ही पुरानी जो है वाड़ी चाट वहाँ पे मौजूद है और मेरा जो ये अंकल है वो बना रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगी। और ये मैं बचपन से खा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी आते थे यहाँ पे और माशाल्लाह से ये ऑनर है हमारे पीछे। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कब से है ये? मेरे वालिद के दौर से तकरीबन अभी 56 साल हो गए वाड़ी चाट के। अच्छा माशाल्लाह। मेरे वाले साहब ठेला लगाते थे दादा बेकरी के आगे, वो अभी भी मौजूद है। हाँ, मेरे बाबा भी बताते हैं इस बारे में, वो अभी भी मौजूद है। उसके बाद ये सिलसिला यहाँ से चलता है, आटो बान से माशाल्लाह। ये हमारा सिलसिला 56 साल हो गया मैं ये चाट बेच। चले शुक्रिया बहुत बहुत। तो बस अब देखते हैं कि ये लोग कैसे बना रहे हैं चाट और कैसे हम लोग ये चटखारे लेते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए चटखारे तैयार करवाए, साथ साथ रहे। ये क्या है? ये चाट मसाला और ये मिर्ची। अब ये यहाँ पे डल रही है चटनियाँ मज़ेदार सी। वाह, तो ये रेडी हो गई है और अब हम लोग अपने यहाँ खाते हैं और आपके साथ साथ आते हैं। तो यहाँ पे रेडी होके रख दिए, ठीक है, मेरे साथ साथ रहें। ये सारे फ्रूट्स हमारे जो हैं वो कट गए हैं, अब ये इनमें डाल रहे हैं पापड़ी। यम, रेडी हो गई? मसाले वसाले नहीं डाले? ओके थैंक यू। तो जनाब हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया है। ये मेरी चाट है और ये शाम की, ये फ्रूट चाट है इनकी मज़ेदार सी, ये इनकी छोला चाट है, बहुत मज़े की है। मैं खाना शुरू कर रहा हूँ अब और आप देखें और आपके मुंह में पानी आएगा जब मैं खाऊंगा, तो आप देखते रहो मैं खाता रहूँगा और मैं आपको तड़साता रहूँगा। ओके, तो ये हम लोग अपना जो है चटखारे शुरू करने वाले हैं और मेरे साथ साथ लाएँ आप। और आप खाओ या ना खाओ पर मैं ज़रूर खाऊँगा। क्या कह रहे? आप खाओ या ना खाओ लेकिन मैं ज़रूर खाऊँगा और मैं खाता रहूँगा, सारा खा जाऊँगा। ये अब हमारे चटखारे जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, साथ साथ रहें मेरे। जी जनाब, हाजिर हूँ अपने शशकों के साथ और मैं हाजिर हूँ यहाँ पर अपनी, आज आई हूँ मैं अपने शहर की मशहूर वाड़ी चाट की प्लेस पर। और ये चाट जो है बहुत मशहूर है, मैं बचपन से खा रही हूँ ये चाट और आप लोग मेरे से सुना कि अंकल ने बताया आपको कि ये कब से है। और तो इनके मेन्यू में जो है वो बहुत कुछ है लेकिन इनकी स्पेशलिटी जो है वो छोला चाट है और फ्रूट चाट है। और मैं अपनी चाट
एंजॉय कर रही हूँ, आप भी मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हम कुछ कहना चाहेंगे? असल में हम ये आपको कुछ मसालेदार और मसालेदार नहीं हम आपको देना चाह रहे थे अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो में। ये हम आ जाए हैं मुस्लिम पार्टी की चाट पे और मुझे दिल कर रहा था जलने का, कुछ नया खासा मैंने खाला नहीं है अपने ब्लॉग पे, तो मुझे ने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई, आज जोर से बोले, आवाज़ नहीं आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट नहीं हुई और जनरेटर का शोर है, तो इस वजह से जो है वो वॉल्यूम हमारा थोड़ा कम लग रहा होगा। इनका मेन्यू पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये इनके मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी जो है इनकी छोला चाट और फ्रूट चाट है। अच्छा, और हम इंजॉय कर रहे हैं वाले चाट, और यहाँ पे बहुत रश होता है। अभी इस टाइम में हम आए तो लेट टाइमिंग में आए, वैसे यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत मशहूर है पूरे लकीबाबाद के, पूरे हैदराबाद में सबसे मशहूर चाट है मुस्तरबाड़ी की चाट। और हमारे शहर में से अगर कोई देख रहा होगा तो वो तो पहचान ही गया होगा कि ये कौन सा प्लेस है। और जो आउट ऑफ सिटी है वो तो मैं बताती चलूँ, ये मेरे शहर की हैदराबाद की मशहूर चाट है वाड़ी चाट। हम लोग वहाँ बैठे हुए, इनका सिटिंग एरिया है, तो चले मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाट, आप लोग मेरे ब्लॉग को इंजॉय करें और मेरे साथ साथ रहें।